हरियाणा में जहां जनता भाजपा से लड़ रही है, वही कांग्रेस आपस में लड़ रही है। 2024 के चुनाव को महज कुछ माह बाकी है, तो ऐसे में कांग्रेस की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भाजपा से लड़े, ना कि गुटबाजी करके वो आपस में लड़े। जहां एक तरफ संगठन की कमी है, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए गुटबाजी में आपस में आरोप प्रत्यारोप के साथ अब शिकायतबाजी पर भी कांग्रेस उतर आई है। खड़गे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो प्रदेश प्रभारी है दीपक बावरिया, उसकी शिकायत कर दी गई है, लेकिन दीपक बावरिया को शायद SRK जानते नहीं हैं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हालात थे, तब दीपक बावरिया ने उनको सुलझाते हुए सरकार बना ली थी। तो ऐसे में दीपक बावरिया अब हरियाणा में भी ऐसा क्या करने वाले हैं कि अब इस जो मध्य प्रदेश की तरह वहां भी उनकी शिकायत हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी, वही हालात हरियाणा में हो गई है। करते हैं इस पर चर्चा। चर्चा में जाने से पहले द विश्वप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को फॉलो कर लें, ताकि देश और प्रदेश से जुड़ी राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचती रहे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप फनेलवाल, द विश्वप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। 2024 के चुनाव से पहले देश और प्रदेश में जो भाजपा की सत्ता है, उससे जनता महंगाई तमाम विषयों पर लड़ रही है, तो वही हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस आपस में लड़ती नजर आ रही है। दो दिन पहले जिस प्रकार से रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक, यानी कि उसमें जो मीडिया की रिपोर्ट में आए थे, तीनों के थे, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, SRK जिस ग्रुप का नाम दिया गया है, तो उन्होंने दीपक बावरिया मुर्दाबाद के साथ में जो और भी नेता कांग्रेस के आए हुए थे, उनके खिलाफ को बैक के नारे लगाए थे। उसके बाद अब दीपक बावरिया की शिकायत कर दी गई है, तो ऐसे में अब दीपक बावरिया जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हालात हुए थे, वही हालात अब हरियाणा में भी हो गई है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधे का गुट था, वहां पर भी इस तरह के हालात बने थे, और अजय के समर्थकों ने तो दीपक बावरिया के साथ में धक्का मुक्की भी की थी, जिसका संज्ञान राहुल गांधी ने भी लिया था, और उसके बाद तुरंत बाद मीटिंग ली थी। तो ऐसे ही हालात अब हरियाणा में भी हो गए हैं। दीपक बावरिया की शिकायत कर दी गई है कि वो एक तरफा सुन रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि हरियाणा में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत संगठन की है। संगठन बनने को रोकने के लिए सूत्र बता रहे हैं कि ये सारा खेल रचा जा रहा है, जबकि संगठन के तौर पर BJP पन्ना प्रमुख से लेकर के ऊपर तक, यानी कि जिला स्टेट तभी सभी जो इकाइयां हैं वो बना चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे 2024 के चुनाव को जीतेगी जब उनके पास संगठन ही नहीं है, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। जनता भी यही देख रही है कि जो लोग आपस में ही अपनी नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको कैसे वोट करें। ऐसे हालात में खास तौर पर जो लोकसभा के चुनाव है, उन पर असर इसका पड़ने वाला है। तो दीपक बावरिया को अब क्या, किस तरह से, जिस प्रकार से वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात थे, वहां पे भी शिकायतबाजी हुई थी, तो अब हरियाणा में भी शिकायत हुई है, तो ऐसे में सीधी तौर पर यही लग रहा है कि जो कांग्रेस हाई कमान है वो दीपक बावरिया के साथ में खड़ा तो नजर आएगा। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये भी चीज देखनी चाहिए, कुमारी शैलजा को ये भी चीज देखनी चाहिए कि जिस प्रकार से वो भी प्रभारी, पहले कर्नाटक के थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, वहां अगर DK शिव कुमार है, अगर वो इस तरह के हालात वहां पर कर दे, तो कर्नाटक में क्या वो जीत पाते। कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, तो ऐसे में अगर उनके साथ भी वहां यही हालात हुए, तो क्या वो छत्तीसगढ़ जीत पाएगी। तो अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत गुटबाजी की, अपने आप को दिखाने की, अपने आप को CM चेहरा बनाने की हो रही है,
और जनता ये सब देख रही है। और 2024 के लिए जहां बीजेपी ने मुश्किल पैदा कर दी है, वहीं कांग्रेस अपने लिए खड्डा खोदती नजर आ रही है। खैर, अंतिम में आपकी राय, जिस प्रकार से अब कांग्रेस लड़ रही है आपस में, तो क्या 2024 में उसकी नैया पार हो पाएगी इस प्रकार से? आपके सवालों के जवाब कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द सुप्रीम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।